लुटेरों ने दिन दहाड़े फील्ड ऑफिसर से लटे 1,20,000 इलाके में दहशत का वातावरण व्याप्त। यूपी के सीतापुर में आईडीबीआई बैंक से संबद्ध एक एनजीओ में फील्ड ऑफिसर के रूप में कार्यरत रख युवती से दिन दहाड़े नकाबपोश लुटेरों ने 1,20,000 रुपए व अन्य सामान लूटकर इलाके में दहशत का वातावरण पैदा कर दिया है। दिन दहाड़े हुई लूट की सूचना मिलते ही डिप्टी एसपी दलबाल के साथ मौके पर पहुंचे और वारदात स्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की है। सनसनी खेज घटना के बाबत फील्ड ऑफिसर ने अज्ञात लुटेरों के विरुद्ध तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तरफ से और वो लोग खड़े थे वहाँ पे, और जैसे ही मेरी गाड़ी बालू पड़ी थी वहाँ पे, वो लोग ओवरटेक किए, आगे का जो पहिया गाड़ी में लग गया, गाड़ी गिर गई और बैग उठा लिए चले गए, और वो रुमाल से चेहरा ढके थे और हेलमेट लगाए थे दोनों लोग। कितने लोग थे वो लोग? दो लोग थे। कौन सी गाड़ी थी उनके पास में? गाड़ी पता नहीं कौन सी थी, लाल कलर की थी। कितना पैसा लगभग था उस बैग में आपके? सर लगभग 1,00,000 के ऊपर था, 1,20,000 के लगभग। ये किस कंपनी का पैसा था? समिता कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज। उसमें आप क्या है? स्टाफ। क्या नाम है आपका? जी दामिनी वर्मा।